आपका हमारे चैनल नो लाइट स्टूडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आई विश आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं GPDP जो साइट है GPDP.NIC.IN, इस पर जो है हम कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे जो है हम अपना जो है फीडबैक अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं GPDP.NIC.IN, ये हमारा जो साइट है, साइट को पे आते हैं और यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है लॉगिन। तो क्या करेंगे आप, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लॉगिन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ, अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, जनरली आपको पासवर्ड पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ और यहाँ जो कैप्चा है आप कैप्चा टाइप करेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आएगा। ठीक है, जैसा कि मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, मैं उसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ OTP मेरा, और फिर से कैप्चा डालेंगे, जो भी कैप्चा दिया हुआ है वो हम फिर से टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए आएगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया पासवर्ड बनाएंगे और नए पासवर्ड में आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे उस पासवर्ड में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर के अक्षर भी होने चाहिए और इसके अतिरिक्त कोई अन्य करेक्टर जैसे स्पेशल करेक्टर में कोई सिंबल भी होना चाहिए और अंक भी होने चाहिए, यानी कि सबका मिला जुला रूप होना चाहिए। अगर केवल आप अल्फ़ाबेट डालेंगे या फिर केवल नंबर डालेंगे तो पासवर्ड नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो है पासवर्ड बना लेते हैं। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, मैं अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ और यहाँ पर कैप्चा फिर से भरते हुए मैं करता हूँ सबमिट। तो देखिए ये जो हमारा पासवर्ड जो सक्सेसफुली लॉग आउट है, नहीं कि जो हमारा पासवर्ड ऑलरेडी बन चुका, सेव हो चुका है। ठीक है, अब नया पर जो हमने बनाया है उस पासवर्ड को हम डाल करके लॉगिन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से लॉगिन पे आता हूँ, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करूँगा और यहाँ पर पासवर्ड, जो भी पासवर्ड अगर आपने बनाया है उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं फिर यहाँ से जो है आपका कैप्चा को टाइप करता हूँ यहाँ पर और फिर करता हूँ लॉगिन। देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो है कि पेज खुलेगा। यहाँ पे आना है आपको फैसिलेटर फीडबैक पर, फैसिलेटर फीडबैक पे आएंगे और यहाँ देखिए यहाँ ऊपर देखिएगा फैसिलेटर फीडबैक। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और फेस खुल करके आएगा यहाँ पे फैसिलेटर फीडबैक फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ग्राम पंचायत नेम सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमने पुराना हम बिल्कुल सेलेक्ट कर लिया। फिर जो है कि आपका ग्राम सभा का मीटिंग डेट आपको ऑटोमेटिक यहाँ मिल जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप सभा मीटिंग जो भी होगा आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो है कि नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन ग्राम सभा मीटिंग, कुल कितने लोग जो है कि आपके मीटिंग में प्रेजेंट हुए। जैसे मान लिया मेरे यहाँ जो है 48 लोग प्रेजेंट हुए तो मैंने 48 डाल दिया। SC लोग कितने थे उसमें, जो कि अनुसूचित जाति के, तो मान लिया 12 लोग। और ST यानी जो अनुसूचित जनजाति होते हैं, तो अगर अनुसूचित जनजाति है तो आप डालेंगे, अगर मेरे ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा। अगर आपके 50-60 लोग हैं 2-4-5 लोग डाल सकते हैं, जो भी संख्या होगा। ठीक है, फिर SSG मेंबर प्रेजेंट इन ग्राम सभा, SSG मेंबर कितने प्रेजेंट है, तो इसे मेरे यहाँ जो है कि प्रेजेंट रहे 15 लोग तो मैंने 15 कर दिया। इसके अलावा वोमेन प्रेजेंट यानी महिलाओं की संख्या 21। ठीक है, तो ऐसे आप संख्या भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के, सर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, पंचायती राज, सोशल वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इन सब के जो है कि ये लोग उपस्थित रहे तो हाँ बिल्कुल अवेलेबल हैं। ठीक है, और साथ में जो है कि वे डिलीवर द प्रेजेंटेशन, डिलीवर किया तो आप इसको टिक कर देंगे, अगर नहीं डिलीवर किया तो टिक नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कि एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे जिसमें जो है कि ये स्टार सिंबल दिख रहा है यानी कि उसको भरना अनिवार्य है। ठीक है, और बाकी जिसमें स्टार सिंबल इसमें नहीं, तो अगर आप इसको नहीं भरते हैं तब भी चल जाएगा, अगर आपको डिटेल है तो आप उसको भर देंगे। ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन एंड वैलिडेशन आप मिशन अंतोदय डेटा, यानी प्रेजेंटेशन और वैलिडेशन मिशन अंतोदय डेटा का हुआ है, तो अगर हुआ है तो आप इस पर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे दिया प्रेजेंटेशन ऑफ SSG रिगार्डिंग पावर्टी इश्यूज एंड पावर्टी रिडक्शन प्लान्स, यानी इसमें जो है कि जो गरीबी की समस्याओं और उन पर जो है कि क्या उपाय हो सकते हैं गरीबी दूर करने के, क्या उनका जो है कि प्रेजेंटेशन हुआ है, अगर हुआ है तो यस करेंगे और यस करेंगे तो उसका जो भी समस्या और उसका जो गरीबी को कम करने के जो भी उपाय है, क्या प्लान है, उसका जो है आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं हुआ है तो आप कर देंगे नो, अगर नो करेंगे तो यहाँ पे क्या रीज़न है,
तो नो SSG कम्युनिकेशन टीम, नो NRLM या फिर नो पावर्टी। तो जो भी आपका होगा कंडीशन आप डालेंगे, जैसे हमारे अगर ग्राम पंचायत में गरीबी नहीं है तो आप नो पावर्टी कर दीजिए, ठीक है, यानी गरीबी नहीं है, ठीक है। फिर है वाटर सेट डेवलपमेंट। वाटर सेट डेवलपमेंट यानी जिससे जो अभी पानी टंकी के जो सिस्टम लग रहा है उससे रिलेटेड है, तो अगर ये लगा हुआ है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। तो यस करेंगे तो फोटो मांगे तो आप उसका फोटो अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। तो मेरे ग्राम पंचायत में हैंडओवर नहीं हुआ तो मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर वेदर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, तो वाज डिस्कस्ड इन सब, यानी बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन जो है कि डिस्कस किया गया, तो हाँ बिल्कुल यस करेंगे इसको। फिर महिला सभा और बाल सभा, तो महिला सभा बाल सभा अपने यहाँ नहीं हुआ है तो आप इसको नो कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि फिर देखिए, ये से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे यहाँ पे, जैसे आपका दिया हुआ रिव्यू ऑफ करेंट ईयर फंड एक्टिविटीज एंड फंड यूटिलाइज, ठीक है। तो क्या रिव्यू किया गया, जो भी फंड एक्टिविटी यानी जो भी समीक्षा हुई, जो भी फंड आए उसकी, तो अगर हुई है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, टिक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ ही जैसे जो भी क्वेश्चन आप इसको पढ़ते जाएंगे, इसके अनुसार जवाब देते जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये स्टार बना हुआ है, तो कोरम आप सभा वाज अटेंडेंट, यानी कि जो भी सदस्य उनका जो है कोरम पूर्ण रहा तो आप इसको यस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, और इसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर डिस्कस ड्यूरिंग द ग्राम सभा पंचायत मीटिंग, यानी कोविड संबंधी जो है कि जो भी गतिविधियाँ हैं उसको जो है डिस्कस किया गया ग्राम सभा मीटिंग में, तो हाँ बिल्कुल हाँ किया गया, आप कर दीजिए यस। इसके अलावा देखिए, अपलोड जियो टैग्ड फोटो ऑफ ग्राम सभा मीटिंग, यानी कि जो भी ग्राम सभा मीटिंग हुई है उसकी जो है कि आप यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे, जियो टैग्ड फोटो अपलोड करेंगे, और यहाँ पे चूज फाइल पे आइए, और यहाँ से जो भी अगर से मैंने फोटो यहाँ पे है तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। साथ में जो है अपलोड जियो टैग्ड फोटो ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड, यानी जो कार्ययोजना लिखाई होती है, कार्ययोजना लेखन, उसका भी फोटो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। साथ में सरपंच डिटेल, तो सरपंच नेम यहाँ दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है कि आपका अपलोड सरपंच फोटो, तो फोटो अगर अपलोड करना तो आप यहाँ पे क्लिक करिए चूज फाइल पे, और उनका फोटो भी आप इसमें अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और आपको क्या करना है, बस यहाँ आकर के इसको कर देना है सेव, ठीक है। यहाँ पे आप सेव पर क्लिक करेंगे, देखिए सेव सक्सेसफुल, ये आपका सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है व्यू करके देख सकते हैं, और यहाँ अपडेट पे क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अगर इसमें कुछ, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो ये सेव भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी कोई इसमें चेंजिंग नहीं किया, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और यह व्यू और दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आपका जो है ये फीडबैक फॉर्म जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ, प्लीज़ विजिट वाइब्रेंट ग्राम सभा टू प्रायोरिटाइज योर थीम एंड अपलोड ग्राम सभा रिजोल्यूशन। एक ग्राम सभा रिजोल्यूशन बाद में अपलोड करने के लिए कह रहा है अगर व्यू करते समय, ठीक है। और तो इस तरह से जो है कि आपका फैसिलेटर फीडबैक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और साथ में अपलोड इमेज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको करना पड़ सकता है, इसे विलेज पंचायत में सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद जो फोटो आप ग्राम सभा, फोटो आप सभा इन प्रोग्रेस में जो मीटिंग हुई है उसका जो है फोटो, ठीक है। और ये जो है कि कार्ययोजना का जो है फोटो, और साथ में फोटो आप ट्रेनिंग यानी कोई ट्रेनिंग अगर कोई चीज़ हो रहा है उसका भी आप फोटो इस पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मुख्यतः आपका रहा कि फैसिलेटर फीडबैक कैसे देना है, तो इसको जो आप इस तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल नौलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।